जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग। हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग। जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग। सबके जुबान पे आयम आयम का नाम। भाईचारे से रहते या पे हिंदू मुसलमान। असद बाबा है हमारे हैदराबाद की जान। एक है तो सेफ है ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? मोदी जी। मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। तो इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं, ऐसा सुना हुआ है। एक 400 एनजीओ है, वही वोट जिहाद का फिर से आगे आया है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया भाई? एक बीजेपी इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अभी अभी ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ऐसा है ना कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं सुनते, झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना जब देखिए पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी, इनको बुलाया गया है तो ऐसा ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस फिर से वोट जिहाद वाला मामला जो है तो बार बार भाषण में बोल रहे हैं कि वोट जिहाद का मामला। अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था देखो पिक्चर का, तेरा क्या होगा, तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसीलिए देखिए आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीजन में औरंगाबाद डिवीजन में सेकंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग, इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। उसकी बात करो ना, किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े है। आपको जिहाद याद आ रहा है? हमारा काम, हम जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ पर अपना प्रचार करेंगे। उनको यकीन है कि इस शहर के, इस तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर, इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे।